हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ये सैंडविच की रेसिपी। इसको मैंने आलू की स्टफिंग के बिना बनाया है। इसमें मैंने खाली वेजिज़ का यूज़ किया है, चीज़ और पनीर का भी यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। मैंने यहाँ पर इसे बनाने के लिए ब्रेड की दो स्लाइसिस ली हैं और इस पर सेज़वान सॉस को लगा दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर वेजिज़ ली हैं, उनको छोटे छोटे पीसीज में कट करके इस तरीके से ब्रेड पर रख दिया है। दूसरी ब्रेड पर भी मैं अब इस तरीके से इसको रख लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने ओरिगैनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, हल्का सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। इन सब को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ लूँगी और उसको ग्रेट करके इस पर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको सेकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इस पर हल्का सा मक्खन लगा लिया है और इसको सेकने के लिए रख दिया है। एक तरफ से सेक जाने के बाद इसे पलट करके मैं दूसरी तरफ भी सेक लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड की है ना, इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। ये देखिए सिक गया है। अब ये सैंडविच हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया है, उसको ग्रेट करके गार्निश के लिए इस पर डाल दिया है। ये देखिए हमारा सैंडविच बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।